आज हमारे लिए पवित्र मिसा, पवित्र बलिदान, पवित्र कुर्बान बलिदान चढ़ाने के लिए बिशप स्वामी आने वाला है, हैं? और अभी कुछ देरी में इसके लिए कोशिश करेगा। ये पवित्र मिसा बलिदान को अनुभव कैसे करना चाहिए? ये पवित्र मिसा बलिदान हमारा जीवन का, हमारे ईसाई जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। स्रोत कैटेकिज्म में पैराग्राफ 1324 में लिखा है, यूक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ हमारे क्रिस्तीय जीवन का स्रोत है पवित्र मिसा बलिदान। हमारे इस पवित्र मिसा बलिदान बहुत बहुत पुराना है और बहुत अनोखी अनुभव मिलेगा यदि आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी, बीच बीच में जानकारी होना चाहिए। आप तो पढ़ा होगा लेकिन बीच बीच में उसको नवीनीकरण करना चाहिए। तो मैं अभी आधा घंटा नहीं है, अच्छा ठीक है, देखिएगा अभी हमारा टाइम टेबल के अनुसार 10:30 को चाय पियेंगे और 11:45 को मिसा बलिदान चालू करेगा। आइए हम कोशिश करेगा, हम मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। ये जो लिटर्जी मतलब जो हमारा हमारा धर्म का जो आराधना, लिटर्जी बोलता है उसको, लिटर्जी, उसमें मिसा बलिदान और जो कुछ भी संस्कार जो सैक्रमेंट, वो बहुत खास बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, तीन कार्य होता है। मैं कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करा के इधर रखा है, बाद में आप मुझे अगर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं ये सब आपको भेज देंगे। उसमें लिखा है पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के, ये कैटेकिज्म 1076 वो नंबर नोट कीजिए, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलेसिया का ये विश्वास निक्षेप में लिखा है, सीसीसी 1076। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडले जाने के माध्यम से चर्च दुनिया के सामने प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा का उपहार रहस्य की योजना में एक नया युग, चर्च के युग की शुरुआत का प्रतीका है। उस युग में मसीह ने अपने चर्च की पूजा प्रतीत के माध्यम से जब तक वह नहीं आया अपना उद्धार प्रकट किया और प्रस्तुत किया है। ये गूगल ट्रांसलेशन है, शायद कुछ गलती हो सकता है। अभी एक बता के मैं रोक देंगे और देता है, इस चर्च युग में ईसा मसीह अब इस युग के लिए एक नया त
तरीके से अपने चर्च में और उसके साथ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, वह संस्कारों के माध्यम से कार्य करता है। संस्कार वही है लिटर्जी। पूर्व और पश्चिम आम परंपरा इसे रहस्यमय कहते हैं। प्रोजेक्ट रहस्यमय कहा जाता है। इसमें चर्च के रहस्यमय पूजा पृथ्वी में मसीह के पास्कल रहस्य के फले को उठाला या वितरण शामिल है। इसलिए सबसे पहले रहस्यमय प्रावधान की, ये थोड़ा मुश्किल है, तब आराधना क्वेश्चन के प्रकृत और मूल्य विशेष स्पष्ट हो जाती है। मालूम नहीं आपको ये समझ में आया, लेकिन बात यह है कि प्रभु ने अपना जीवन संसार के लिए बलि चढ़ाने के पहले, देखिए अभी मैं बताएंगे जो उसमें लिखा है उसको मैं संक्षिप्त में बताएंगे, जो प्रभु ने अपना बलि चढ़ाते हुए मनुष्य को बचाने के लिए जो कृपा का अभिषेक करने के पहले उन्होंने संस्कार जैसा मिसा बलिदान संस्कार और पुरोहिताई संस्कार सब अनुष्ठान किया। किसके लिए अनुष्ठान किया है सब? ये संस्कार का क्या जरूरी है? बलिदान मिसा बलिदान का क्या जरूरी है? पुरोहिताई संस्कार का क्या जरूरी है? ये समझना चाहिए। अभी देखो, हम आपको मालूम है पेट्रोल भरने के लिए हम कहाँ जाता है? पेट्रोल टैंक जाना पड़ता है। मैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में काम किया था, लेकिन रिफाइनरी में बहुत बड़ा टैंक में पेट्रोल है, लेकिन एक लीटर भी पेट्रोल रिफाइनरी मतलब जो कारखाना जहाँ पर पेट्रोल बनती है वहाँ से पेट्रोल जो बनती है वहाँ से एक लीटर भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर काम करने वाला पूछेगा तो नहीं नहीं यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। फिर कहाँ से मिलेगा? उसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। हम लोग रेशन शॉप जाता है क्योंकि चावल और मिट्टी तेल मिलने के लिए, उसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस एंड केरोसिन। और डिस्पेंसरी जाता है किसके लिए? डिस्पेंसरी जाने से दवाई मिलता है, उसको बोलता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंस मतलब वितरण मतलब सबों को बांटने का जगह। तो प्रभु ने, देखिए खास सुनिए, थोड़ा हाथ उठाइए, जय यीशु बोलिए सब लोग, जय यीशु सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ने उनका जीवन बलिदान करते हुए जो पेट्रोल बनाने वाला है, समझो जैसा हमारा जीवन में कृपा देने वाला पेट्रोल बनाने वाला है, लेकिन वो पेट्रोल बनाने के पहले उन्होंने उसको कैसे पहुंचाएगा लोगों पर? ये जो उन्होंने अपना जीवन बलिदान करते हुए जो कृपा बनाएंगे, लेकिन एक कृपा लोगों पर कैसे पहुंच जाएगा? उसके लिए उन्होंने उसको वितरण करने के लिए, उसको डिस्पेंस करने के लिए, उनको सबों के पास पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया। वही व्यवस्था है मिसा बलिदान संस्कार। तो संस्कार क्या क्या संस्कार है? हमारे
बपतिस्मा का संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, मिसा बलिदान संस्कार और पाप स्वीकार संस्कार और शादी का संस्कार और पुरोहिताई संस्कार और हमारा चंगाई का संस्कार, ये सब संस्कार ईश्वर ने पहले बनाया कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलिदान करते हुए मिलने वाला जो कृपा सबों को बांट दे। समझ में आया? समझ में है ना? सचमुच समझ में है ना? जब हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको समझ में आया, मुझे मालूम है समझ में आया करके। अभी ये बात है कि ये विश्व बलिदान को हम सात नहीं तो आठ भाग कर सकता है, आठ खास करके सात भाग, लेकिन एक और एक है, ये सात बाघ मिसा बलिदान में है। पहले बाघ आज ये मिसा बलिदान पर ईसा मसीह का जीवन शुरुआत से, उन्होंने जो जन्म हुआ वहां से लेकर उनका दोबारा आने तक का कार्य हर एक मिसा बलिदान पर हो जाता है। उनका शरीर धारण करते हुए उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, वहाँ से लेकर उनका दोबारा आने तक का सब कुछ यहाँ पर मिसा बलिदान पर हमें मिलता है। अभी हम समझना चाहिए मिसा बलिदान पर क्या क्या जगह पर क्या क्या होता है। पहले ये क्या क्या मैंने कहा, सात रहस्य बोलेगा, सात रहस्य क्या क्या है, सात रहस्य। एक पहला रहस्य प्रभु यीशु का जन्म का रहस्य, मतलब शरीर धारण का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। ये आप लिखिए, सात रहस्य लिखिए। पहला मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन यानी कि शरीर धारण का रहस्य। प्रभु ने शरीर धारण किया। उसके बाद प्रभु का बाप्तिस्मा का रहस्य, प्रभु का बाप्तिस्मा। और तीसरा बात, प्रभु का सुसमाचार का घोषणा का रहस्य। तीसरा बात सुसमाचार का घोषणा। सुसमाचार का घोषणा करने के बाद उन्होंने अपना जीवन बलिदान करने के लिए आया, तो चार बलिदान, उनका क्रूस मरण, उनका दुख भोग का रहस्य, दुख भोग और क्रूस मरण, चौदहवा। और पांचवा उनका पुनरुत्थान का रहस्य, पुनरुत्थान। और छठवा स्वर्गारोहण, उन्होंने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में आया, छठवा। और सातवां पेंतेकोस्त, स्वर्गारोहण करने के बाद 10 दिवस के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के रूप पर हम सबों को आया, छठवा। और जो आठवां रहस्य है कि उनका दोबारा आना, सेकंड कमिंग। ये इतने चीज हर एक मिसा बलिदान पर, यहाँ पर ये पवित्र संस्कार के द्वारा जो चीज 2000 साल के पहले हो चुका है वो चीज यहाँ पर पुनर्आविष्करण हो जाता है, जैसे कि अब भी होता है ऐसा यहाँ पर हमें मिलता है। तो सोचो, सबसे पहले जब हम लोग ये गीत गाते वक्त परम धाम में ईश्वर की महिमा
मतलब महिमा का गीत गाते हैं। ये महिमा का गीत कौन कब गाया? देवदूतों ने प्रभु यीशु का जन्म के समय पर गाया। तो ये गीत गाते वक्त तो सिर्फ एक गीत नहीं, प्रभु ईसा जन्म हुआ है, सर्वोच्च 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 स्वर्ग में महिमा, पृथ्वी पर मानवों को शांति। ये स्वर्ग से सब देवदूतों ने संदेश दिया है। ये गीत यहाँ पर गाते वक्त ये मिसा बलिदान पर प्रभु यीशु जन्म होता है। प्रभु यीशु हमारे हृदय पर जन्म होता है, इस संस्कार में प्रभु यीशु का जन्म होता है। उसके बाद जो प्रभु यीशु जन्म होने के बाद वो बच्चा होता था, वो बच्चा प्रभु यीशु, बालक प्रभु यीशु माता मरियम के साथ क्या किया? उन्होंने प्रार्थना सीखा, हे पिता बिंदी प्रार्थना और संकी और साल्म प्रभु का स्तोत्र ग्रंथ का प्रार्थना। प्रभु यीशु और माता मरियम रोज स्तोत्र ग्रंथ का गीतों लेकर प्रार्थना करता था। तो प्रभु यीशु माता मरियम के साथ प्रार्थना सीखा, हे पिता हमारे और स्तोत्र ग्रंथ का, वो प्रार्थना सब कहते कहते उन्होंने बड़ा 30 साल का उम्र आ गया तो उसको बाप्तिस्मा मिला। वो बाप्तिस्मा का समय पर स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उतर आया। उसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर ये पुनरुत्थान गीत। तो पुनरुत्थान गीत का मतलब ये है कि स्वर्ग घूल कर पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभु पर आया और प्रभु का जीवन उन्होंने सबों के लिए देने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने पानी पर डूबा और ऊपर उठा और उसके बाद उन्होंने ये सुसमाचार प्रचार करने लगा, पवित्र आत्मा मेरे पास है, मुझ पर आया कि मुझे ईश्वर का भजन का घोषणा करने के लिए अभिषेक किया है। अभी ये हम जो गीत गाएंगे, ये जो पुनरुत्थान गीत गाने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु अभी और पहले और आनंद काल तक एक ही है। वो आनंद काल तक प्रभु जब दोबारा आने वाला है, पुनरुत्थान देने वाला है, हर एक व्यक्ति का मरा हुआ शरीर को पुनरुत्थान देने वाला प्रभु अभी यहाँ पर जन्म हुआ है, अभी यहाँ पर बपतिस्मा हुआ है, अभी हम सबों के लिए तैयार है। वो सोच के हम एक गीत में भाग लेना चाहिए। इसलिए हम उस वक्त वहाँ पर हम उस वक्त पूर्व पश्चिम पूर्व दिख पूर्व ईस्ट देखकर, मतलब जो आने वाला प्रभु पूर्व से आएंगे, पूर्व से आएगा, पूर्व से पश्चिम तक। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24-27 पर, मत्ती अध्याय 24-27 पर लिखा है कि जो प्रभु दोबारा आते वक्त पूर्व से आएगा और पश्चिम की ओर, जैसा कि एक मैं यहाँ से पढ़ेंगे 24:27 जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसा ही मानव पुत्र का आगमन होगा। सब लोग दोहराइए, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है जैसे कि मानव पुत्र का आगमन होगा। इसलिए पूर्व के और हम लोग देखते हैं, प्रभु की और हम लोग देखते हैं और आराधना करते हुए प्रभु को आराधना करते हुए गीत गाते हैं, उसको हम लोग पुनरुत्थान गीत बोलता है। वो स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी
जयगान गाते। उसके बाद का स्टेप, तू है देता है तन को पुनर्जीवन, तू है करता है आत्मा का उठार। यह सचमुच में अंतिम में जो प्रभु दोबारा आते वक्त सब मनुष्य का शरीर उद्धार, शरीर पुनर्जीवन होगा, उनकी आत्मा का उद्धार होगा। उसको हम मिसा बलिदान का शुरू से हम उसी पर ध्यान देता है, वही यीशु को हम अभी यहाँ पर अर्पण करने वाला है। तो उसके बाद परम प्रभु यीशु का प्रभु यीशु उन्होंने अब इसके बाद प्रभु यीशु प्रवचन देता है। तो पुरोहित पुरोहित वहाँ से सुसमाचार कैसा मुंह में लेकर बाहर आएगा और प्रवचन चालू करेगा। उसका मतलब है कि प्रभु यीशु जो 30 साल के बाद 3 साल उन्होंने स्वर्गराज का घोषणा किया, उस घटना को हम मिसा बलिदान पर आघोषित करता है। वही प्रभु का वही वचन यहाँ पर घोषणा करता है, पुरोहित प्रभु यीशु बनकर रहते हुए, और वो प्रभु यीशु पहाड़ी में नहीं तो समुद्र के किनारे जैसा ईश्वर का वचन को व्याख्यान किया, ऐसा पुरोहित ईश्वर का वचन को बांटता है। वही घटना यहाँ पर पुनर् होता है। तो हम यहाँ पर बैठकर हम सुनते वक्त हमें सोचना चाहिए, हम वही समय पर जैसा प्रभु यीशु ने वचन घोषणा किया उसके साथ अभी हम लोग प्रभु यीशु के साथ वो वचन लेता है। उसके बाद प्रभु कलवारी पर गया बलि चढ़ाने के लिए। तो ये जो टेबल, ये जो वेदी वजन का वेदी है, और ये जो ऊपर वाला वेदी बलिदान का वेदी है, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो ये वजन को भी प्रभु तोड़कर बांटता है, उसके बाद उनका शरीर को तोड़कर बांटता है वहाँ पर बलि वेदी पर। तो बलि वेदी में फादर जो पुरोहित वो चढ़ाता है रोटी दाकरस, चढ़ाते वक्त हम ये सोचना चाहिए ये रोटी और ये दाकरस ये सब प्रभु ने सृष्टि किया है। प्रभु का वो सृष्टि जो मेटीरियल वो वस्तु है, वो मैटर है, फिर भी वो मैटर अभी यीशु का शरीर बनने वाला है, किसके लिए? हम लोगों को देने के लिए। तो अभी हमारा कितना रहस्य हुआ, प्रभु का आगमन मतलब शरीर धारण हो गया, बाप्तिस्मा हो गया और पब्लिक लाइफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर बलि पीड़ा अनुभव और बलि चढ़ाने का होगा। वो बलि चढ़ाते वक्त ये याद रखना है कि हम सब उनका शरीर पर है, क्योंकि जब वो मनुष्य बना तो हम सब उनका शरीर पर है। अभी ये बलि चढ़ाते वक्त हम सब उनका शरीर पर है। प्रभु हम सबों के लिए बलि चढ़ाता है और वो बलि में हम दफनाएगा। इसीलिए ये हमारे बलिदान पर वो बलि वस्तु को ऐसा रखते हुए एक नमूना दिखाता है कि ये जो इसके पीछे ऐसा डालने का मतलब क्या है कि प्रभु दफनाया गया, प्रभु मर गया और दफनाया गया, समझिए ना, ये सब उसका चिन्ह है। और जब दफनाया तो ओम शरीर पर कौन है,
हम सब वो शरीर पर है, ये आप खास करके मन में रखिए। उन्होंने दुख भोग हमारे लिए लिया और दफनाया, और उसी वक्त ये प्रार्थना करता है जो प्रभु अंतिम भोजन के समय पर जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करते वक्त ये मेरा शरीर है बोलते वक्त ये रोटी उनका शरीर बन जाता है, ये दाखरस उनका रक्त बन जाता है। उसके बाद हम उसको उठाकर उसको आराधना करता है। तो अभी उन्होंने दफनाया और उनका पुनरुत्थान हुआ, और पुनरुत्थान के बाद जब वो प्रभु शरीर पुरोहित शरीर को उठाते हुए आराधना करते वक्त ये सोच सकता कि प्रभु स्वर्गारोहण किया है। जो प्रभु स्वर्ग में गया तो हम सबों को लेकर स्वर्ग में गया। उसके बाद हम फिर हे पिता बिंदी बोलता है। शुरू में हे पिता बिंदी बोला तो प्रभु हमारे साथ यहाँ पर प्रतिपर था। अभी प्रभु मरण पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद हम सबों को लेकर स्वर्ग कर पिता के दाहिने बाद में गया, वहाँ पर से हम स्वर्ग हे पिता बिंदी बोलते हैं और वर प्रसाद स्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाता है। ये वर प्रसाद स्वीकार करने पर हम जैसा पेंतेकोस्त का समय पर प्रभु फिर उतर आया, पवित्र आत्मा के रूप उतर आया, सबों को अपने पवित्र पवित्र त्रिएक ईश्वर का अनुभव देकर हम सबों को नया सृष्टि बनाया। उसका समान प्रभु गुर हमारे अंदर आ जाता है और हम पवित्र वरम प्रसाद स्वीकार करते वक्त ये प्रार्थना करता है, हे प्रभु यही वरम प्रसाद हम जो स्वीकार करता है यही प्रभु आने वाला है अंतिम में, संसार का अंत में जो आने वाला प्रभु को हम लोग अभी स्वीकार करता है। समझ में आया? इतना सब सोचकर आप ये प्रार्थना पर भाग लेगा तो आपको बहुत अनोखी अनुभव आज मिलने वाला है। आइए अभी हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक 5-10 मिनट ब्रेक लेगा और उसके बाद मिसा बलिदान चालू होगा। एक बार सुधी कीजिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। आइए